नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। सुबह के 10 बज गए और ऐसे में वक्त हो गया है 10 का दंगल का। बंगाल में इस वक्त दंगल छाया हुआ है। तमाम पार्टियां सियासी गुड़ा बांक कर रही हैं कि कौन वोटर्स को लुभा ले। लेकिन पश्चिम बंगाल में लड़ाई दीदी वर्सेस दादा की ओर चली है। दीदी मतलब बड़ी बहन और बंगाल में दादा बड़े भाई को कहा जाता है। तो एक तरफ बड़ी बहन और दूसरी तरफ बड़ा भाई, दीदी वर्सेस दादा यही दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है उसी के साथ कर लेते हैं शुरुआत। अहम खबर नंदीग्राम के हाई प्रोफाइल सीट को लेकर के ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री अब नंदीग्राम में हो चुकी है। अहम खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री नंदीग्राम में। 20 मार्च को नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी के लिए रैली करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं से सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। या फिर यूं कहें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम आई ही है सुवेंदु अधिकारी के चैलेंज के चलते, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि हिम्मत है तो नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दिखाएं, यहां से हराऊंगा उन्हें, मैं 50,000 वोटों से हराऊंगा और अगर ऐसा नहीं किया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में। अब ममता बनर्जी आ गई हैं, यहां उन्होंने अपना कह सकते हैं घर ले लिया है, टेम्पररी हालांकि यह है, पर बताने की कोशिश यही है कि मैं पश्चिम बंगाल की बेटी हूं और वो टेम्पररी नहीं है। चार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो वोट फॉर मोदी दादा वाले इस पोस्टर को अपनी प्रोफाइल ट्विटर के ऊपर बना चुके हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम, मेरे सहयोगी रमन नंदीग्राम में ही मौजूद है। जायजा लगातार नंदीग्राम का वो ले रहे हैं, रुख सीधा रमन काम कर लेते हैं। रमन, सुबह की हवा क्या कुछ कह रही है नंदीग्राम की? देखिए बिल्कुल, हवा बेहद गर्म है चुनावी अगर हवा की बात करें, और ये जिस मैदान पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आज ममता दीदी पहुंचने वाली हैं और 4 बजे के करीब उन्होंने यहाँ पे एक जनसभा रखी है। ठीक सामने आप देख सकते हैं हेलीपैड है, यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद सामने मंच है जहां पर ममता दीदी 4 बजे पहुंचेंगी। और इससे थोड़ी दूर पर लगभग 500 मीटर की दूरी पर उन्होंने घर लिया है जो कि पूर्व सैनिक फारूक अहमद का घर है, जो कि पहले J&K राइफल में थे, 17 साल नौकरी करने के बाद वो वापिस आए, तो यहाँ पर उन्होंने घर भी ले लिया है। यानी कि लगातार ममता दीदी ने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी बाहरी पार्टी, तो यहाँ से नंदीग्राम से सुवेन अधिकारी ने कहना शुरू कर दिया कि मैं यहां का धरती पुत्र हूं, मैं नंदीग्राम का बेटा हूं, तो दीदी ने यहां पर भी एक घर ले लिया। यानी लड़ाई सिंबॉलिक भी है और लड़ाई तगड़ी है नंदीग्राम की, क्योंकि ये सुवेन अधिकारी वो सिपहसालार था जो कि 2007 से लेकर 2016 तक ममता दीदी के लिए यहां पर जमीन तैयार करता रहा, टीएमसी की 3 पत्तियों के लिए जमीन तैयार करता रहा। लेकिन इस बार परेशानी यही है ममता दीदी की कि वो सिपहसालार उनके साथ ही नहीं है बल्कि उनके सामने खड़ा है, तो इसीलिए बड़ी बड़ी रैली है। नंदीग्राम की सीट बेहद हॉट हो चुकी है। आज ममता दीदी यहां पहुंचेंगी, कल नॉमिनेशन करेंगी, उसके बाद 12 को सुवेन अधिकारी यहां नॉमिनेशन करेंगी, उसके बाद सुवेन अधिकारी को टक्कर अगर यहां पर दे रही हैं या फिर उनके चैलेंज के चलते अगर यहां पर आई हैं तो फिर इतनी कच्ची खेल ममता बनर्जी क्या खेल सकती हैं कि हार जाएं, अपनी साख को दांव पर लगा दें। श्वेता भी यहीं मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। सरफराज कोलकाता में मौजूद है। सरफराज, आपके पास मैं आऊंगी पर श्वेता से भी जरा जान ले, नंदीग्राम में आज कितनी भीड़ जुटने की संभावना? श्वेता जी, शालनी भीड़ की बात तो शाम 4 बजे ही पता चलेगी, लेकिन एक तस्वीर दिखाऊंगी कि देखिए दीदी का पोस्टर जो है वो कहां कहां तक पहुंच चुका है। ये पोस्टर कोलकाता की सड़कों पर भी मैंने दिखाया था और अब ये नंदीग्राम की तरफ भी आपको नजर आएगा। बंगाल निजेर में के चाही ये पोस्टर दूर दूर तक TMC ने लगाए हैं, और जिस तरीके से नंदीग्राम की सीट हाई प्रोफाइल हो गई है तो अब देखिए कि यहाँ पर TMC ने तैयारी कर ली है। अभी गाँव से दूर से आवाज आ रही थी TMC का जो खेला होबे सॉन्ग है, और TMC को लेकर लोग अंदर अंदर तक गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस रोड पर मौजूद हैं और अंदर से मतलब तस्वीरें एक बार कहूंगी, देखिए जरा कि वहां अंदर गांव से आवाज आ रही है जोर जोर से ढोल नगाड़ों की और TMC को लेकर प्रचार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दीदी ने जब ऐलान किया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी और पूरी तैयारी TMC कैडर ने कर रखी है, अब ये समर्थक दीदी के साथ जाते हैं। अच्छा, दिखाई दे भी जाएगी श्वेता और रमन, लगातार वो तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन श्वेता ने जिस तरह से पोस्टर दिखाया ममता बनर्जी का, नंदीग्राम में भी वो है और कोलकाता में इस वक्त सरफराज मौजूद है वहां पर भी वो है कि बंगाल नजर मेके चाही, मतलब बंगाल अपनी बेटी को चाहता है लेकिन बंगाल दादा चाही, ये कह रहे हैं बीजेपी की तरफ वाले लोग।
सरफराज, अगर पेट्रोल पंप के ऊपर लगी हुई बड़ी बड़ी होर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आचार संहिता का उल्लंघन है, रोहित आपके पास मैं आ रही हूं, तो ये ममता बनर्जी की जो होर्डिंग लगी हुई है ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? शालिनी देखिए, ये सबसे अहम है और मैं आपको बताऊं कि मैं जब से यहाँ पे पहुंचा बंगाल में, कोलकाता में, मैं यहाँ भी हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क है और ये देखिए चारों तरफ सड़कों की स्थिति तो आप देखिए कंजेस्टेड सा होता है, लेकिन जहाँ भी देखिए पोस्टर 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 नजर आएगा दीदी का ही। इस सड़क पर देखिए चाहे वो कोई भी छोटी सी गली हो, पोस्टर दीदी के यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है? हालांकि ये आप जान लीजिए कि एक फिलॉसफी चल चुकी है राजनीति में कि बड़े बड़े होर्डिंग से शायद ऐसा लगता है कि जनता उनकी बातों की तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगी और जनता उनके साथ जुड़ जाएगी। फैक्ट ये है कि जनता अभी भी काम ढूंढती है। हालांकि ये कोशिश जरूर की जा रही है बंगाल में कि किसी तरह से भी अपनी शख्सियत को इतना बड़ा करके दिखाया जाए जिसके बाद कम से कम ये एहसास हो कि बड़े बड़े पोस्टरों से ये समझ में आ जाए कि हाँ आपने दरअसल बहुत बड़ा काम किया। लेकिन यही फिलॉसफी बदलनी है। अब जो होर्डिंग वॉर चल रहा है उसमें दीदी बनाम दादा है, दीदी बनाम दादा है, और दीदी बनाम दादा का ये जो पूरा खेल दिख रहा है पश्चिम बंगाल में इसका इम्पैक्ट होता नजर आएगा। और यही बात नंदीग्राम में भी श्वेता बता रही है, यही बात जो है रमन बता रहे हैं, और यही तस्वीर कम से कम पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े पोस्टरों से ये बात तो लगभग कोशिश की जा रही है समझाने की कि हाँ ये देखिए हम जो आपको बता रहे हैं हमने ये काम किया। लेकिन एक भी पोस्टर मैंने वो नहीं देखा, दीदी की एक भी पोस्टर मैंने नहीं वो देखा कि हमने काम के जरिए क्या चीजें आपने बदलने की बात कही। हाँ। आपने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की इस पोस्टरों में कि आप बेटी के साथ जुड़ो। हाँ। और बेटी बनाम दीदी और ये तमाम ऐसी फिलॉसफी जो है बेटी के साथ